दोस्तों ये जेसीबी बिकाऊ है और 2010 की मॉडल है और ये कर्नाटक गुलबर्गा में है। और कंडीशन देखो भाई, और इसका प्राइस मैं आके बताता हूँ। पहले देखो कंडीशन कैसा है। देखो भाई टायर, देखो भाई यहाँ पे, देखो भाई देख सकते हैं आगे का डिस्क, देखो भाई ये अपना धड़ी, देखो ये आपको कैबिन, देखो भाई किस इस तरह से कैबिन है, ये देख सकते हो भाई कैबिन इस तरह से है। और कंडीशन देखो भाई, टायर देखो, टायर का बटन साफ हो चुका है, देख सकते हो भाई। ये देखो भाई पीछे का दिखाता हूँ, पीछे कैसा है। ये देखो भाई यहाँ पर पाइप निकला हुआ है और यहाँ पे थोड़ा ऑयल लीकेज है, वाल ब्लॉक भी थोड़ा लीकेज है, थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा ये काम कराना पड़ेगा आप लोगों को। ये देखो जी भाई बगेट का देखो, और बूम कैसा है देख सकते हैं, पीछे से इस तरह से दिखता है भाई। तो रो साइड से दिखाता हूँ, ये देखो भाई बुशिंग का काम है। ये देखो भाई, ये देखो जी भाई कैपेसिटी, देखो टेम्परेचर, देखो ये साइड वाला टायर, देखो ये देखो जी भाई कुछ इस तरह से दिखती है भाई मशीन। 2010 की मॉडल है। ये देखो जी भाई, ये देखो ये राम मंदिर के पास चौक है वहाँ पे है मशीन, 2010 की मॉडल है। ये देखो जी भाई ऑयल टंकी है, डीजल टंकी है, और इंजन देखो किर्लोस्कर इंजन है भाई, देख सकते हैं 2010 की मॉडल है। ये देखो जी भाई, ये देखो भाई, ये देखो धड़ी, देखो भाई कुछ इस तरह से है भाई, देख सकते हो भाई कंडीशन। देखो भाई ये देखो भाई टायर, देखो भाई आगे का, देखो भाई इतना साफ हो चुका है। जिस भाई को पसंद है, जिसको भी इंटरेस्ट है लेने का, और आगे का टायर देखो भाई, अपना दांत डालना पड़ेगा आगे का, और प्लेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और आगे देख सकते कुछ इस तरह से भाई, ये देखो जी भाई कितना ऐसा कंडीशन है भाई। ये देखो जी, ये देखो जी भाई कंडीशन, देखो भाई आप लोग अंदर कैसे दिखाता हूँ, कैबिन कैसा है, क्या नहीं है, क्या नहीं। ये देखो जी भाई सीट का कुछ इस तरह से हाल है। स्टेयरिंग देखो भाई, स्टेयरिंग इस तरह से है। ये देखो जी भाई, और क्लस्टर देखो, ये देखो भाई उसके ऊपर कांच नहीं है। ये देखो जी भाई कुछ इस तरह से है कैबिन के अंदर का नज़ारा। देखो भाई ये देखो जी भाई लीवर का दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखो थोड़ा इतना प्ले है, ये देखो जी भाई इसमें भी थोड़ा प्ले है। और देखो भाई अंदर से दिखाता हूँ, यहाँ पे निकला हुआ है, और अंदर देखो भाई कुछ इस तरह से है, देख सकते हो भाई इस तरह से कंडीशन है भाई मशीन। ये देखो जी भाई क्लस्टर दिखाता हूँ, एक्सीलेटर देखो भाई इतना है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो इसके ऊपर कांच नहीं है, क्लस्टर के ऊपर कांटा देखने के लिए। और ये देखो भाई पीछे कुछ इस तरह से है, सिलेंडर कोई लीकेज भी बिल्कुल कुछ कुछ नहीं है। कैबिन के अंदर देखो कुछ इस तरह से है। सीट का देखो भाई इस हाल है, देखो आपको सीट का चेंज करना पड़ेगा भाई। जिस भाई को लेना है तो कमेंट करके बताना भाई, इसका प्राइस है ना भाई 6 से 7 लाख में आपको मिल जाएगा। ये देखो जी भाई, और ये गुलबर्गा कर्नाटक का राम मंदिर के पास क्रॉस है, वहाँ पर